वेलकम ऑन सी पी स्मार्ट क्लासेस। दोस्तों, एक मॉक टेस्ट मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, और ये मॉक टेस्ट सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए है। इसमें जो है वीडियो के लिए स्पेशली है ये मॉक टेस्ट। आप लोग मेरे साथ साथ इसको सॉल्व कीजिए। 25 प्रश्न है इसमें और ये सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न है, तो आप लोग मेरे साथ साथ इसको सॉल्व कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 25, वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? हाइग्रोमीटर दिया हुआ है, अमीटर दिया हुआ है, पीएच मीटर दिया हुआ है, बैरोमीटर दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा पीएच मीटर। वर्षा की अम्लता जो है पीएच मीटर से मापी जाती है। संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता है? संघ सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो राजस्व यानी कि टैक्स जो वसूलती है हमसे, उसको जो है राज्य सरकार में उसकी हिस्सेदारी नहीं होती है। कौन सा टैक्स है वो? उत्पाद कर, सीमा शुल्क, आयकर, इनमें से कोई नहीं। तो ये चार ऑप्शन जो दिए हुए हैं इसमें से सीमा शुल्क है। सीमा शुल्क जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लेती है, उसमें से राज्य का कोई हिस्सा नहीं होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है? कौन सा पौधा है जो जल में होता है और विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ता है, उसका मतलब ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी से होता है? अमेजनी, जल नलिनी, कुमुदनी इसको बोलते हैं, जल हायासिंथ पुष्प बोलते हैं इसको, न्यूट्रिक्यूलोरिया घटपड़ी श्रेणी का है ये पौधा, और वाटर चेस्टनट, इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है जल हायासिंथ। एक पुष्प है जो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ये इसकी ग्रोथ बहुत तेज होती है। क्वेश्चन नंबर 28, जब हमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कॉन्टैक्ट्स गुम या नष्ट नहीं होते हैं? ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से किस चीज़ में लाइट चले जाने पर मेमोरी के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो गुम नहीं होते हैं, मतलब नष्ट नहीं होते हैं? रैम, ईपी रैम, ईईपी रैम, ये सभी रैम में, ईपी रैम में, ईपीपी रैम में, इनमें से कौन सा होगा? तो आपको इसका आंसर बताना है, और इसका आंसर है ये सभी डी ऑप्शन सही है। रैम में, ईपी रैम में, ईईपी रैम में, सभी में मेमोरी जो है उसके कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो गुम नहीं होते हैं। देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा कार्यक्रम है, कौन सा कार्यक्रम देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है? राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, सर्व शिक्षा अभियान, MGNREGE कार्यक्रम, नवोदय विद्यालय। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से सही आंसर क्या होगा आप लोगों को तो कर सकते हैं इस आंसर क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान जो है देश के सभी जिलों में लागू है। प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी जो टीचर होते हैं, प्राथमिक विद्यालय होता है, सर्व शिक्षा अभियान जो चलाया जा रहा है वो सभी जिलों में लागू है। ये किसी पर्टिकुलर रीजन क्षेत्र के लिए नहीं है ये कार्यक्रम। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, में जहांगीर से मिलने के लिए आने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम दूत कौन था? ऑप्शन दिया हुआ है विलियम एडवर्ड्स, सर थॉमस रो, एडवर्ड टेरी, विलियम हॉकिंस। आपको इसका सही आंसर बताना है, सही आंसर है डी, विलियम हॉकिंस। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी थी? 940, 934, 933, 972। सही आंसर क्या है? सही आंसर बताइए इसका, सही आंसर है 940। इसी को बोलते हैं मेल फीमेल सेक्स रेशियो। प्रयोग और अप्रयोग का कानून किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? प्रयोग और अप्रयोग का कानून किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है लेटरबर्ग, लैमार्क, डार्विन, ह्यूडी ब्राइस,
इसमें से सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है लैमार्क। प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई है? ये एक बुक लिखी गई है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, किसने लिखी है? तो इसमें जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, देखिए इसके चारों ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। इसके ऑप्शन दिए गए हैं अजीज प्रेम जी, एन आर नारायण मूर्ति, प्रवीण महापात्रा, राजीव सीकरी। सही आंसर आपको बताना है इसमें क्या है। सही आंसर जो है ये एन आर नारायण मूर्ति हैं। अब अगला प्रश्न है सरल गलगंड घेघा इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है। घेघा प्रभावित करने वाली बीमारी किसकी है? अश्रु ग्रंथ की, यकृत लीवर की, थायराइड ग्रंथ की और मसूड़ों की, किसकी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए आप, इसका है थायराइड ग्रंथ की। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है ये। एक सही स्थूलता के दो पिंडों को एक ही समय पर समान गति से एक मीनार की चोटी से फेंका जाता है। एक पिंड एक्स ऊर्ध्व रूप से नीचे फेंका गया था, दूसरा पिंड वाई समतल फेंका गया था। तो ऑप्शन दिया हुआ है दोनों जमीन पर एक सी गतिज ऊर्जा सहित पहुँचते हैं। एक्स अधिक गतिज ऊर्जा सहित भूमि पर पहुँचता है, वाई अधिक गतिज ऊर्जा सहित भूमि पर पहुँचता है और डी में दिया है एक्स एंड वाई दोनों जमीन पर एक साथ पहुँचते हैं। सही ऑप्शन क्या है इसका? सही ऑप्शन है डी, एक्स एंड वाई दोनों जमीन पर एक साथ पहुँचते हैं। निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं सोनार, क्वासर, रेडार, स्पंदक। सही आंसर बताइए इसका क्या है? रेडार। रेडार से जो है क्या वस्तुओं को खोया जाता है ना, कि मतलब कोई चीज़ से अभी रेडार उसे हम बोलते नहीं है कि हम लोग यूज करते हैं, अब आप हमारे रडार में आ गए हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से इसका मिलान गलत किया गया है, किसी एक का मिलान गलत किया गया है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री एन एक्स पर है, मकर रेखा 66.5 डिग्री एन एक्स पे है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री रेखांश पे है, उत्तरी ध्रुव रेखा 66.5 एस अक्षांश पे है। ये आपको इसका मिलान करना है और इसका आंसर बताना है, तो इसको देख लीजिए। इसका आंसर जो है जो गलत किया गया है, एक तो ये मकर रेखा तो सही है और इसमें जो है ये गलत है एक, और एक ये गलत अंतर्राष्ट्रीय तिथि। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 एंड 3 इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। इसके आधार पर किसी सरकार को संघीय या एकात्मक शासन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, किसके आधार पे? केंद्र और राज्यों के बीच संबंध के आधार पे। इसके आधार पर किसी सरकार को संघीय या एकात्मक शासन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, समझ रहे हैं इसको? संघीय शासन या एकात्मक शासन होगा। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच संबंध, सरकार के तीन अंगों के बीच संबंध, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है वो आपको बताना है। सही आंसर है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 39 है। निम्न में से सही को चुनिए, निरुक्त, मीटर, ज्योतिष, स्वनिक ध्वनि, फोनोटिक्स है, व्याकरण, ग्रामर है, शिक्षा, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी है। जो सही दिया हुआ है उसको आपको चुनना है। तो इसमें सही क्या है? व्याकरण को ग्रामर बोलते हैं, यही सही है, बाकी तो सही नहीं है इसमें। न्यूजीलैंड के निवासियों को इस नाम से भी जाना जाता है, न्यूजीलैंड के निवासियों के किस नाम से भी जाना जाता है? कीवेज, अरबी,
पूर्व देशी सैम्स, तो इसका आंसर तो कीवीज है। कीवी बोलते हैं ना, न्यूजीलैंड में कीवी होते हैं तो उनको कीवीज भी बोलते हैं निवासियों को। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41 है ये। निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालीतान मंदिर स्थित है? पालीतान मंदिर कहाँ पर स्थित है ये बताना है। यह है माउंट आबू, मेयर, उज्जैन और भावनगर, इनमें से किसके पास पालीतान मंदिर स्थित है? आंसर है डी, भावनगर। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय सरकार का एक अनिवार्य घटक है? संसदीय सरकार का एक अनिवार्य घटक है एक दो संशोध संविधान, राजनीतिक दल, पार्टियां, एक स्वतंत्र नगर पालिका, एक लिखित संविधान, इनमें से कौन सा है? इसका आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है राजनीतिक दल यानी कि पार्टियां। क्वेश्चन नंबर 43, एल नीनो इफेक्ट इसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है? हम्बोल्ट करंट धारा, विश्वतीय प्रतिधारा, कैनेरीज करंट धारा, गल्फ करंट यानी गल्फ धारा। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर होगा एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। ये इसका सही आंसर होगा हम्बोल्ट करंट धारा ए। क्वेश्चन नंबर 44, ईवीएम किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ईवीएम बोलते हैं। आंसर तो इसका अपने आप ही क्लियर है, आप सभी लोग इसको जानते होंगे, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसका आंसर बता दिया आपको। JDBC का सूचक है JDBC, देखिए जे फार तो जावा होना क्लियर है क्योंकि सभी में जावा दिया हुआ है, जावा समय दिया हुआ है इसलिए जावा तो होगा ही। अब आगे आपको देखना है कि क्या होगा, डेवलपर होगा, डाटाबेस होगा, डेवलपिंग होगा, डाटाबेस होगा, तो इसमें तो डाटाबेस होगा, कनेक्टिविटी हो जाएगा। JDBC ये हो गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निबंध है, किसका निबंध है ये? इसका आंसर आपको बताना है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, मैग्नीशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम सल्फेट का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, किसका है? मैग्नीशियम कार्बोनेट का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, मैग्नीशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम सल्फेट का, किसका निलंबन है? इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निलंबन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके द्वारा जल के प्रदूषणों को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पहला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। पहला ग्लोबोसा किसके द्वारा प्रयुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर आप बताइए। मरकरी है, आर्सेनिक है, कैडमियम है, शैवालीय पुष्प है, तो इसका सही आंसर होगा कैडमियम। विषम यानी कि भिन्न का पता लगाइए, इसमें से कौन सा जो है बिल्कुल अलग है? IDBI बड़े उद्योगों को वित्तीय सहायता देता है, CTP लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता देता है, ये तो बिल्कुल सही है, FCI खाद्यान्नों के व्यापारियों को वित्तीय सहायता देता है, एग्जिम बैंक निर्यातकों और आयातकों के को वित्तीय सहायता देता है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर क्या है मतलब जो अलग है, IDBI भी सही है, CFD भी सही है, ए भी सही है, ये गलत है, ये FCI जो है ये गलत है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका मतलब होता है, खाद्यान्नों के व्यापारियों को वित्तीय सहायता नहीं देता है ये। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से हाल में किसने अपना क्लोन ऊँट उत्पन्न किया है? क्लोन ऊँट किसने बनाया है, कौन से देश ने बनाया है? ईरान है, सीरिया है, USA है, दुबई है, तो सही आंसर है दुबई। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी किसकी कमी के कारण मर जाएंगे? देखिए
सारे पौधे अगर ख़त्म हो जाएं विश्व में तो सारे पशु भी मर जाएंगे, लेकिन किसकी कमी से मरेंगे वो आपसे पूछा जा रहा है। भोजन, क्या उनको भोजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आश्रय स्थान नहीं मिलेगा, शीतलवायु नहीं मिलेगी, इसमें से क्या उनको नहीं मिलेगा पशुओं को, जो है क्या नहीं मिलेगा पशुओं को, भोजन नहीं मिलेगा। इसका सही आंसर है भोजन, ए, उनको भोजन नहीं मिलेगा इसलिए वो मर जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की क्विज, 25 क्वेश्चन हमने पूछे थे इसमें, आपने जितने भी किए होंगे, आपके जितने भी सही होंगे आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और ये आपको मॉक टेस्ट यानी कि क्विज जो हमारी थी आपको अच्छी लगी हुई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, उनको चैलेंज कीजिएगा कि कितने वो सही कर पाते हैं। दोस्तों इस तरह की क्विज आपको डेली मिलती रहेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, कल एक क्विज और हम लेकर आएंगे। अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि कल की क्विज आप कर सकें हमारे साथ।